कि एसएससी का ऑनलाइन कैसे पेमेंट जमा करना है। तो मैं चला गया मेरा कंप्यूटर विंडो पे, अभी देखा तो आपको कैसे पैसे जमा करना है। जैसे मैंने आ गया तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको एटीएम कार्ड, आपको चाहे नेट बैंकिंग कर सकते हो, उसके बाद आप एटीएम कार्ड से भी फी जमा कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड है, तो मैं एसबीआई में क्लिक कर लेता हूँ। इसके मैं नेट बैंकिंग में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने जो एसबीआई का जो नेट बैंकिंग का जो पेज है, इसमें आपको सीधा चला रन कर देगा ये। उसके बाद मैंने एसबीआई का जो भी मेरा यूजर नेम और पासवर्ड है, मैं ये पासवर्ड दबा के मेरा जो एसबीआई का नेट बैंकिंग है उसमें लॉगिन हो जाता हूँ। आप दोस्तों, आप घबराए नहीं है, एकदम इजी प्रोसेस है, आप एकदम घबराए नहीं है। आपको बस सिर्फ कुछ ही स्टेप फॉलो करना है, उसके बाद आप भी सकल के ऑनलाइन पेमेंट करना। जिसके पास नेट बैंकिंग नहीं है वो डेबिट कार्ड से भी क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकता है। जैसे ही मैंने मेरा लॉगिन यूजर आईडी डाला, डालने के बाद लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो मेरा जो कंप्यूटर स्क्रीन है, स्क्रीन में कि जो मेरा लॉगिन होने के बाद जो मेरा अकाउंट नंबर, मेरा नाम अकाउंट, उसके बाद आपको जो मेरा 100 रुपीज पी और मेरा जो ट्रांजेक्शन आईडी नंबर दिखा रहा है। उसके बाद मैंने कन्फर्म में क्लिक किया। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद मेरे को दोबारा पूछा गया कि आप ये मतलब आपका जो कन्फर्मेशन है, आप एसएससी के लिए आप इतना रुपया खर्चा कर रहे हो, मतलब आपको कर दो, आप घबराए नहीं, ये बस सिर्फ कुछ स्टेप फॉलो करना है आपको, उसके बाद ही आप भी सकोगे कैसे ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो उसके बाद आपको कोई मोबाइल पे ओटीपी नहीं आएगा, आपको बस सिर्फ आपको दोबारा कन्फर्म पे क्लिक करना है। मैंने दोबारा कन्फर्म पे क्लिक किया। उसके बाद आप देख सकते हो जो मेरा जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो मेरा कंफर्म हो गया और एसबीआई तरफ से मेरे को राइट टिक मिल गया, मेरा अकाउंट नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी सब कुछ मिल गया। उसके बाद मैं मेरा जो फॉर्म है, फॉर्म में चला जाता हूँ, वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट डाल देगा, आप एकदम टेंशन मत करो। उसके बाद आपको जो मेरा जो पेमेंट का जो फी है उसका जो स्टेटस आपको देख सकते हो, ये मेरा नाम है और ये मेरा जो पेमेंट का स्टेटस है, मतलब मेरा सब कुछ फीस सक्सेस हो गया है। 100 रुपीज ट्रांजेक्शन आईडी सब कुछ आप देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर, अकाउंट नंबर सब कुछ मेरा देखते हो। उसके बाद क्या करता हूँ मैं इसी का एक प्रिंट ले लेता हूँ, जिसका इसके मेरे को आगे जरूरत पड़ने वाला है शायद, तो नहीं, उसके बाद मैं फी जो पेमेंट है उसका मैंने जमा कर दिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको कि मेरा तो मैं पीडीएफ में सेव कर लेता हूँ मेरे कंप्यूटर में, जो इसका जो फाइल है, मतलब इसका जो रजिस्ट्रेशन का, मैं प्रिंट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरा जो इसका मैंने सेव कर लिया, तो आपको एकदम घबराना नहीं है। उसके बाद जैसे कि आपको पेमेंट पूरा 100% हो गया, आपको बस सिर्फ क्या करना है, क्लोज में क्लिक करने के बाद ही आपको प्रिंट एक ऑप्शन आएगा। प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपना जो फॉर्म सबमिट किया उसी का एक प्रिंट आप निकल सकते हो। आपको इसे ही ऐसे ही आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। जिसे ही समझ लो आपका पेमेंट सक्सेस हो गया, आपका फॉर्म 100% सक्सेस हो गया, आप एकदम घबराओ नहीं, यह कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो गया दोस्तों, उसका आपको मिल जाएगा। जो भी आपका पेमेंट किसी की तरफ से नहीं होता है वो भी आप टेंशन मत लीजिए, 24 आवर्स के अंदर में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा।